प्रतिस्थापन विधि में एक वेरिएबल को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी बराबर के आगे ले जाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से बतलावे, तो प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को हल करके पहले समीकरण में अगर y को आगे ले जाएंगे तो दूसरे में भी y को आगे ले जाएंगे। पहले समीकरण में अगर x को प्रतिस्थापित करेंगे यानी जगह बदलेंगे तो दूसरे समीकरण में भी x को ही बदलेंगे। तो समीकरण एक को पहले हल करते हैं। समीकरण एक को हल करने पर, तो समीकरण एक को हल करेंगे तो पूरा समीकरण लिखेंगे। एक यह है इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्रतिस्थापन कर रहे हैं यानी जगह बदल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का आगे 41 और प्लस वाई स्क्वायर आगे जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर होगा, इसीलिए एक्स बराबर पावर 2 हटेगा। तो बराबर का आगे जितना कुछ रहेगा सब पर रूट चढ़ जाता है और पीछे में जुट जाता है प्लस माइनस 41 माइनस वाई स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 3। x का मान निकल गया, एक को हल किए तो y का प्रतिस्थापन हो गया। बराबर से पहले y नहीं ना है, पुनः समीकरण 2 को हल करने पर एक को किए हैं समीकरण 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 और पहले समीकरण में y स्क्वायर का ने प्रतिस्थापन किए हैं तो दूसरे समीकरण में भी y स्क्वायर को हटाएंगे माइनस y स्क्वायर आगे जाएगा तो प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 9 माइनस y स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर और x बराबर प्लस माइनस 9 प्लस y स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण 2। 3 4 4 होगा। तो समीकरण 3 में x का मान है, समीकरण 4 में भी x का मान है। तो समीकरण 3 और 4 से x का दोनों मान बराबर होगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, तीन में है प्लस माइनस रूट अंडर 41 माइनस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9 प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो पहले धनात्मक मान लेंगे, प्लस इतना लेंगे तो आगे भी प्लस इतना। एक बार माइनस को बराबर करेंगे, एक बार प्लस को, तो दोनों ओर माइनस, जैसे मान लो माइनस ए बराबर माइनस बी है तो दोनों ओर माइनस रहे ना, एक एक ही पद रहे, ये एक ठो पद है आगे में भी एक ठो पद है, तो माइनस को सीधे तू काट सकते हो। कैसे? तो जैसे मान लो माइनस ए बराबर माइनस बी है, किसी भी पद में किसका गुना छिपा रहता है? एक का। जैसे हम लिखेंगे 5, तो इसका मतलब 1 × 5 लिख सकते हैं जी। तो इसमें जो है माइनस 1 × + a लिख सकते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस, और 1 को a से गुना करेंगे तो a, ये भी माइनस है ना, तो माइनस 1 अलग कर लो, गुने प्लस b।
माइनस और प्लस माइनस, एक को बी से गुना किए बी। अब देखो गुना है ना, तो प्लस चिन्ह तो छिपा रहता है। अगर हम ए को रखेंगे तो गुना वाला ये बटा के आगे चला, बराबर के आगे नीचे आएगा। तो माइनस एक को हटाएंगे तो आगे में माइनस ए गुने बी, तो ये माइनस एक नीचे आ गया, तो ये दोनों कट गया, इसीलिए ये बराबर बी। तो कहीं भी अगर ये लिखा रहे कहीं मिटाने वाला नीचे इसको तू लोग समझा। कहीं पर ये अगर लिखा रहे मान लो माइनस, अब पोस्ट में जो कुछ भी रहे बराबर फिर माइनस, पोस्ट में जो कुछ भी रहे तो इससे अंतर नहीं पड़ता है। इस पोस्ट में माइनस का गुना है, अगर मान लो पोस्ट के पीछे कुछ नहीं छिपा है तो अपने मन से एक दे देंगे। मान लो पोस्ट में है एक्स प्लस वाई और यहाँ है ए प्लस बी, तो माइनस एक एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। माइनस का मतलब पोस्ट के ठीक पहले कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है गुना के रूप में। यहाँ भी पोस्ट के पहले कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये गुना है छिपा हुआ, यहाँ भी गुना, तो पूरे पोस्ट एक ठो पद हुआ, गुना माइनस एक। तो अगर हम पोस्ट को रखते हैं एक्स प्लस वाई को, तो ये गुना में माइनस एक है, ये बराबर के आगे बट्टा में आ जाएगा माइनस एक, बराबर के आगे जितना है ऊपर में ए प्लस बी। अब देखो माइनस एक कट गया तो एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी हो गया। बराबर के पहले एक ही पद हो, चाहे कोष्ठ के रूप में हो या वैसे ही रहे, तो और बराबर के आगे भी एक ही पद हो, इसके पीछे माइनस रहे, तो दोनों माइनस अंत में हट जाता है, इसीलिए इसको शुरू में कैंसिल कर देंगे। तो इसमें हम लोग प्लस वाला मान लेंगे, कहने का मतलब इसमें प्लस लेंगे 41 माइनस वाई स्क्वायर, तो आगे में भी प्लस वाला लेंगे। अगर यहाँ माइनस वाला लेते तो आगे में भी माइनस लिखते, ये हो गया 9 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों ओर रूट रहे तो रूट को हटाने का नियम है, बराबर के पहले स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही करेंगे। तो अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है, तो बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे 41 माइनस वाई स्क्वायर पूरे को घेर करके, तो बराबर के आगे भी पूरे को घेर करके स्क्वायर कर देंगे। ये नियम बतलाए है ना, बराबर के पहले जो काम करेंगे आगे भी वही काम करेंगे। तो ये हो गया कोस्ट रूट 41 माइनस वाई स्क्वायर दो बार लिखना है इसको, पावर दो का मतलब इसको दो बार लिखना है, रूट 41 माइनस वाई स्क्वायर बराबर रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर कोस गुने रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर। समझा? इतना तक समझा तू लोग? उतारो उतारो इसको। देखो इसको जो हल करेंगे तो रूट में यहाँ क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है 41 माइनस वाई स्क्वायर रूट में है ना, फिर गुना यही बात है 41 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर गुना 9 प्लस वाई स्क्वायर इतना है ना। अगर तुम मान लो माना कि 41 माइनस वाई स्क्वायर बराबर एम, इसको एम मान लिए, बराबर के आगे ईश्वर है
9 plus y square equal to मान लो n, तो 41 माइनस y स्क्वायर को भीतर वाला को m मान लिए, तो इसके बदले m लिख सकते हैं गुने, इसको m माने हैं, फिर आगे 9 प्लस y स्क्वायर को n माने हैं, तो रूट में n गुने n, रूट में हो गया, रूट वाला गुना आता है ना, कितना होगा n गुने n, जरा में से एक ठो निकल गया और m बराबर n, समझा इसको। अब m एवं n का मान रखने पर m किसको माने हैं, देखो m माने हैं 41 माइनस y स्क्वायर को, m का वैल्यू रख सकते हैं 41 माइनस y स्क्वायर, और 41 माइनस y स्क्वायर बराबर n माने हैं, n 9 प्लस y स्क्वायर, 9 प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को रखेंगे, 41 को इधर ले जाना है, प्लस y स्क्वायर को बराबर के पहले ला रहे हैं, तो माइनस y स्क्वायर होगा जी, ये 9 प्लस 41 को आगे ले जाओ, तो माइनस 41 और माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर होगा, और प्लस ये हो जाएगा माइनस 32, हल करके होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 गुने y स्क्वायर बराबर माइनस 32, गुना वाला आगे चला जाएगा, y स्क्वायर बराबर माइनस 32 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, ये 32 में 200 भाग देंगे 16 होगा, और y स्क्वायर बराबर 16, और y स्क्वायर घटेगा तो प्लस माइनस 16, और y बराबर प्लस माइनस 4, इसीलिए y बराबर प्लस 4 एवं माइनस 4, y का मान निकल गया जी, चलो उतारो, y का मान निकल गया है, तो अब y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हो, अगली पंक्ति लिखेंगे, अब y का मान किस समीकरण में रखे, y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो मान रखने से पहले समीकरण दो को पूरा पूरी लिखा जाता है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 9, y का दो ठो मान आया है ना, एक ठो प्लस 4 एक ठो माइनस 4, तो y का कौन सा मान रखेंगे, धनात्मक कि ऋणात्मक, y का धनात्मक मान, समीकरण दो में रखने पर, तो दो तो लिख लिए, धनात्मक मान यानी x स्क्वायर माइनस प्लस 4 है ना, तो प्लस 4 स्क्वायर, y की जगह प्लस 4 y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर बराबर 9, x स्क्वायर माइनस प्लस 4 गुने प्लस 4, दो बार प्लस 4 लिखेंगे, स्क्वायर है प्लस नहीं देंगे तो इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है, इसको सीधे लिख दो 4 गुने 4 9, और x स्क्वायर माइनस 4 चुका 16 बराबर 9, और x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 16 आगे ले जाओ तो प्लस 16, तो प्लस 16 बराबर 25, और x स्क्वायर बराबर 25,
और एक बराबर प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 25 32 और एक बराबर प्लस माइनस द्वारा में से निकल गया, इसीलिए x बराबर प्लस 5 एवं माइनस 5 तथा y बराबर प्लस 4 एवं माइनस 4 दोनों हो गया आंसर। समझा जी? तथा बोलो दूसरा हिसाब बोलो। 5x + 6y = x - 5y = 0 पहले चलो लुप्तीकरण अपनाते हैं। देखो लुप्तीकरण विधि में जब जोड़ने पर नहीं कटे और घटाने पर नहीं कटे तब क्या तरीका अपनाएंगे, इसमें हमको या तो x को उड़ा देना है या y को उड़ाना है। उड़ाना है का मतलब लुप्त कर देना है। तो अलग से रफ में लिखो 5x + 5x है तो प्लस छिपा हुआ है और 6x ये जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो -x होगा यानी x नहीं उड़ेगा। यहाँ 6y और 5y है, प्लस माइनस समान रहता तब न ये गायब हो जाता लुप्त हो जाता, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। तो मान लो हमें x को ही लुप्त करना है तो 5x है और 6x है, 5x 6x, तो ऊपर वाला को 6 से अगर गुना कर दे नीचे वाला को 5 से तो देखो 5×6=20x, 6×5=30x हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ ऊपर वाला में उड़ाना क्या है x की y इस पर निर्भर करता है। अगर मान लो x को उड़ाना है तो 5x + 6y और नीचे में है दूसरा समीकरण 6x - 5y = x, ये बराबर 0। x को उड़ाएंगे तो x के पीछे 5 है, यहाँ x के पीछे 6 है, तो 6 को पहले वाला समीकरण में गुना कर देंगे पूरे में, इस 5 को नीचे वाला में गुना कर देंगे। समझा? समीकरण का नियम है ना, बराबर के पहले जो करेंगे बराबर के आगे भी वही करेंगे। तो बराबर के पहले x वाला मामला खाली सोचेंगे तो 5 है तो इस समीकरण को 5 से गुना करेंगे, यहाँ 6 है तो ऊपर वाला को 6 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला को 6 से गुना करेंगे तो पूरा कोष्ठ घेर करके 6, इसको 5 से गुना करेंगे तो पूरा घेर करके 5 देंगे। समझा तरीका? तो इसको जो गुना करेंगे तो 6×5=30x + 6 है, प्लस 6 से गुना किए तो छिपा हुआ प्लस गुना का चिन्ह है ना, तो किससे गुना कर रहे तो 6 से, 6 का मतलब प्लस 6, ये प्लस 6 है प्लस और प्लस प्लस 6 को 6 से गुना करेंगे 36y बराबर, इसको 6 से गुना करेंगे 1×6=36 हुआ। अब 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5×6=30x + 5 से किए हैं, 5 का मतलब प्लस 5 से किए हैं तो प्लस माइनस माइनस 5×25y बराबर 0, 5 को 0 से गुना करेंगे 0। अब देखो तो इसमें से इसको घटा देंगे तो दोनों के पीछे प्लस है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, देखो कट गया यानी x लुप्त हो गया। तो ये प्लस वाला ये भी प्लस वाला समान पद है तो 36 और 25 61y प्लस चिन्ह छिप गया
366 में से माइनस जीरो तो 366 ही बचेगा, तो कैसे उड़ाया जाएगा, समझ गया तरीका। मान लो अगर हमें x को नहीं उड़ाना है, y को उड़ाना है, तो 5x प्लस 6y बराबर 61, दूसरा है 6x माइनस 5y बराबर 0। अगर मान लो y को उड़ाना है तो यहाँ पर है 6y और यहाँ पर है 5y, तो इस 5 को ऊपर में गुना कर दो, ऊपर वाला समीकरण में, और ये 6 को y के साथ 6 है तो नीचे वाला में गुना कर दो, y के साथ 5 का गुना है तो ऊपर वाला में 5 से गुना कर देंगे तब y समाप्त हो जाएगा। तो किसको उड़ाना चाहता है इस पर निर्भर करता है। मान लो y y को उड़ाना है तो y के पीछे 6 है पहले समीकरण में, तो इस 6 से दूसरे समीकरण को गुना कर देंगे, गुना 6, और पहला समीकरण में देखेंगे y के साथ है दूसरे में 5 है तो ऊपर वाला को 5 से गुना कर देंगे, तो इसके लिए हो जाएगा 5 25 प्लस 5 है तो प्लस 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 5 6 20y, इसको 5 5 5 6 30, इसको अगर हल करेंगे तो 6 6 36 होगा, प्लस 6 है प्लस माइनस माइनस 6 5 30y, 6 को 0 से गुना करेंगे 0। अब तू देखो प्लस 30y माइनस 30y आया, जोड़ देंगे घटाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसीलिए देख करके पता चलता है जो जोड़े की घटावे, यहाँ प्लस 30y और माइनस 30y एक जैसा मिल गया तो कट गया, 25 36 61x बराबर जोड़ रहे तो 305 में जीरो जोड़ेंगे 305 तो x का मान निकल जाएगा। तो ये निर्भर करता है लुप्तीकरण विधि में, जब जोड़ घटाओं में नहीं उड़े तो कैसे उड़ाएंगे, समझ गया तरीका। तो पहले तो समीकरण का नाम रखेंगे 5x + 6y बराबर समीकरण एक, 6x - 5y बराबर जीरो समीकरण दो। इतना के बाद समीकरण एक में अगर x को उड़ाना है तो इसमें किससे गुना करेंगे, तो नीचे वाला में x के साथ 6 गुना किया हुआ है तो समीकरण एक में 6 से गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक को 6 से गुना करने पर, तो पहले समीकरण एक लिख लेंगे 5x + 6y बराबर 61, 6 से 1 को गुना करेंगे, ये 1 लिखे तो 6 से गुना कर देंगे, तो और 6 5 30x प्लस 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 6 6 36y हो गया 6 6 36 366, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो समीकरण एक को तो 6 से गुना कर दिए, समीकरण दो को x को हटाने के लिए ऊपर वाला x में देखो 5 से गुना है तो नीचे वाला समीकरण को 5 से गुना करेंगे, यहाँ 15 रहता तो 15 से गुना करते, x के x को उड़ाने के लिए दोनों x के पीछे क्या है इसको ऊपर में गुना कर दो, 5 को नीचे वाला से गुना कर दो, तो एक का मामला क्लियर है। अब समीकरण दो में x के साथ 5 है तो समीकरण दो को 5 से गुना करेंगे, लिखेंगे पुनः समीकरण दो को 5 से गुना करने पर, समीकरण दो को 5 से तो समीकरण दो पहले लिखेंगे 6x - 5y बराबर 0, उसको गुना कर देना है 5 से तो 5, और 5 को 6 से गुना करेंगे 5 6 30x, यहाँ प्लस छिपा है प्लस माइनस
माइनस पांच को पांच से गुना करेंगे तो 25 वाई बराबर पांच को जीरो से गुना करेंगे जीरो। अब ये हो गया समीकरण चार। अब देखो समीकरण तीन में 30x है, समीकरण चार में 30x आया, दोनों के पीछे प्लस है, इसका मतलब समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाएंगे। अब समीकरण तीन से समीकरण चार घटाने पर तो समीकरण तीन इतना है 30x प्लस 36y बराबर 366। ये समीकरण तीन हो गया, चार घटा रहे हैं तो चार यहाँ है, 30x माइनस 25y बराबर शून्य। घटाने में नीचे वाला का चिन्ह बदलता है तो पहले छिपा हुआ चिन्ह दे देंगे, यहाँ भी प्लस 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 का माइनस, माइनस का प्लस, इसका माइनस, प्लस 30x माइनस 30x कट जाएगा, प्लस 36y प्लस 25y समान चिन्ह वाले समान पर जुट जाएंगे तो प्लस 61y 366 में से शून्य घटेगा 366 और प्लस लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, तो 61 गुने वाई है ये बराबर 366। वाई तो रखेंगे तो गुना वाला बराबर के आगे बता में छ से कट जाएगा, एक छक्के छतीस, इसीलिए वाई बराबर छ। अब वाई का मान बैठा दो। अब समीकरण एक या दो जिसमें बैठाना हो तो मान लो एक में ही बैठा दिए। अब समीकरण एक में y का मान बैठाने पर चलो उतारो अब समीकरण एक में y का मान बैठाने पर एक यह है तो 5x प्लस 6y बराबर 61 और 5x प्लस 6y का मतलब बीच में मान जब ये रखेंगे तो छिपा हुआ गुना चिन्ह दे देना है, y का मान 6 तो 6 गुने 6 बराबर 61 और 5x प्लस 36 बराबर 61 और 5x बराबर 61 प्लस 36 को आगे ले जाएंगे माइनस 36 तो 61 में से 36 घटेगा तो 25 और 5x बराबर 25 और x बराबर 25 बटा 5 होगा, गुना के रूप में है 5, इसलिए x बराबर 5 तथा y बराबर 6। ये हो गया आंसर, समझा? चलो धन्यवाद। चलो बोलो सर, इसका प्रत्यास्थापन विधि से बन जाएगा ना, इसी विधि से बन गया। अगला हिसाब बोलो, रूट एक्स इक्वल टू 5x। जब बराबर के पहले कोई रूट वाला हो, एक नियम है स्क्वायर कर दो, तो अगर बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी करेंगे, नियम है बराबर के पहले जो काम हम करेंगे बराबर के आगे वही करेंगे, तो दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, रूट एक्स का अगर स्क्वायर किए तो बराबर के आगे 5x का स्क्वायर कर देंगे, समझा?
तो रूट एक्स का पावर 2 है, यानी 2 बार गुना करेंगे 5 एक्स का पावर 2, तो 5 एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो रूट वाला गुना जानता है, एक रूट एक्स गुने एक्स 25 एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, रूट में से एक्स को निकल जाएगा, ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर, और बराबर के आगे वाला को पूरा पूरी उठाकर पहले रख दो, बराबर के पहले वाला को पूरा पूरी उठाकर आगे रख दोगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहीं पर ये लिखा रहे a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो बराबर के आगे पूरे को उठा करके बिना चिन्ह बदले सी प्लस डी पहले लिख दो, और बराबर के पहले वाला को जितना हो सब को उठाकर आगे कर दो तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो अधिक पावर वाला ये है, अधिक पावर वाला को पूरा पूरी उठाकर पहले ले जाओ, x का पावर 1 है इसको उठा करके आगे, तो बराबर के आगे पूरा को उठा करके 25 एक्स स्क्वायर बराबर x लिखेंगे, दोनों और x ना गया तो इस x को तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 25 गुने x गुने x, देखो तो 25 बीच में एक गुना छिपा है तो गुना एक्स स्क्वायर का मतलब x 2 बार लिखेंगे बराबर x, एक ठो x को रखेंगे बराबर के आगे x है तो x के साथ ये भी गुना में है इसलिए ये नीचे आ जाएगा, बराबर के आगे ये भी गुना में है तो ये भी नीचे आ जाएगा, अब x से कन x, x से कन x, इसीलिए x बराबर ऊपर में 1 और नीचे में 25 सेकंड 25, x बराबर 1/25 आंसर निकला, समझा इसको बनाने का तरीका। चलो उतारो, चौथा बोलो रूट मैन बराबर के आगे और पीछे दोनों में रूट हो तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे, तो बराबर के पहले रूट को उड़ा देते हैं, यानी और रूट उड़ जाएगा तो 3x, तो बराबर के पहले रूट उड़ाए तो आगे भी उड़ाएंगे रूट, तो पीछे उड़ाए तो आगे भी, तो ये हो गया 6, और x बराबर 6/3, इसीलिए x बराबर 2 हुआ आंसर। दूसरी विधि देखो, रूट 3x बराबर रूट 6, तो एक और रूट रहे या दोनों ओर, रूट वाला मामला हो तो स्क्वायर कर दो, बराबर के पहले करेंगे तो बराबर के आगे भी होगा, तो इसको लिख सकते हैं बराबर के पहले स्क्वायर कर देंगे पूरे का, तो बराबर के आगे भी पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 2 है पावर, तो इसको 2 बार लिखेंगे 3x गुने रूट 3x, और रूट 6 का पावर 2 है इसका मतलब रूट 6 को 2 बार गुना करेंगे रूट 6 गुने रूट 6, एक ही रूट रूट वाला है तो एक ही रूट में आ गया 3x गुने 3x, ये भी एक ही रूट में आ जाएगा 6 गुने 6, और रूट में देखो 3x जोड़ा में है, एक ठो दो ठो जोड़ा में से एक ठो 3x निकल जाएगा, इधर भी द्वारा में से 6 निकल गया, तो और x बराबर ये गुना के रूप में है तो गुना वाला आगे नीचे में आ जाता है 3 × 6, इसलिए x बराबर 2 आंसर, तो दोनों तरीका सीख लेना है। चलो उतारो, x स्क्वायर है कि सिर्फ x है, x स्क्वायर
इसको एक्स स्क्वायर नहीं एक्स करो, इसी तर्ज पर है बन जाएगा ना। आंसर रूट नाइन एक्स बराबर एक्स। जब ये रूट वाला मामला रहे तो बराबर के पहले भी स्क्वायर कर दो, बराबर के आगे भी कर दो। तो बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी स्क्वायर कर देंगे। अब पावर दो है तो रूट नौ एक्स को दो बार गुना करेंगे, ये हो गया एक्स गुने एक्स, ये हो गया रूट वाला गुना नौ एक्स गुने नाइन एक्स बराबर एक्स गुने एक्स। द्वारा में से एक तो निकल गया नौ एक्स, एक द्वारा है तो रूट भाग गया एक्स गुने एक्स, ये हो गया नौ गुने एक्स बराबर एक्स गुने एक्स। नौ को हम रखेंगे गुना के रूप में, एक्स है तो नीचे में बटा में चला जाएगा, नौ तो नीचे जाएगा ही, अगर नौ को रखेंगे तो गुना के रूप में तो एक्स है, इसी को नीचे दो या इसको दो, किसी एक को रखकर एक को एक्स कट गया और नौ बराबर एक्स कहो या एक्स बराबर नौ कहो। समझ गया?